Assalamualaikum students, how are you? Today we are studying the chapter number 5. We have studied till the page number 72. The topic of today is that is what happens to the glucose. ठीक है, what happens to the glucose? First of all, mention today date and also the day here. So we are starting the topic which is what happens to the glucose. अब हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास प्लांट क्या करते हैं, दे अंडरगो अ प्रोसेस विच इज़ नोन एज अ फोटोसिंथेसिस इन ऑर्डर टू प्रिपेयर देयर ओन फूड. सो फोटोसिंथेसिस में द मेन प्रोडक्ट विच इज़ प्रोड्यूस इज़ नोन एज ग्लूकोज. ठीक है, ग्लूकोज इज़ एक्चुअली द मेन शुगर दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ. ठीक है, सो अब व्हाट हैपन टू द ग्लूकोज विच इज़ प्रोड्यूस इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड नाउ व्हाट हैपन्स टू दैट ग्लूकोज, वो उस ग्लूकोज को क्या होता है, वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है. ठीक है, ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ अ शुगर, इट इज द फूड मेड बाय प्लांट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. अ प्लांट कैन यूज द ग्लूकोज इट मेक इन मैनी वेज. ठीक है, अब ग्लूकोज हमें पता है इट इज़ अ टाइप ऑफ अ शुगर, ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इसकी प्रोडक्शन होती है और ये ग्लूकोज का डिफरेंट पर्पजेज के लिए फिर यूज़ होता है. ठीक है, सो फर्स्ट वन इज देयर फोर पर्पज, 1, 2, 3 एंड 4. फर्स्ट वन इज दैट सम ऑफ इट विल बी यूज इमिजिएटली टू प्रोड्यूस एनर्जी. उसमें से कुछ जो ग्लूकोज होता है वी कैन यूज इट फॉर द टू प्रोड्यूस एनर्जी. अब एनर्जी हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, वी नो डैट एवरी लिविंग सेल अंडरगो आर रिस्पायरेशन. फॉर एग्जाम्पल प्लांट ऑल्सो अंडरगो आर रिस्पायरेशन विच इज टेकिंग प्लेस इन द रूट सेल्स. ठीक है, सो विदाउट रिस्पायरेशन लिविंग थिंग्स कैन नॉट लिव. रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन साइड एवरी लिविंग प्लांट सेल्स ऑल द टाइम इवन एट नाइट. ठीक है, तो अब उस रिस्पायरेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो कहाँ से आती है, डैट कम्स फ्रॉम ग्लूकोज. ठीक है, जो प्लांट ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं वो ग्लूकोज उसमें से कुछ जो यूज़ होता रहता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन. सो द प्लांट अंडरगोज रिस्पायरेशन इवन एट द नाइट टाइम. ठीक है, सो सेकेंड वन इज सम ग्लूकोज इज चेंज इन टू द सेलुलोज टू मेक अ न्यू सेल वॉल. सेलुलोज गिव अ स्ट्रॉन्ग आउटर कोट टू प्लांट सेल्स, इट हेल्प्स द प्लांट्स सपोर्ट इटसेल्फ. ठीक है, और कुछ ग्लूकोज जो होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सेलुलोज में हो जाता है ताकि उससे नई सेल वॉल्स बनाई जा सके. वी नो डैट प्लांट कंसिस्ट ऑफ अ सेल वॉल्स. ठीक है, हमने प्रीवियस एक चैप्टर में पढ़ा था कि प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स, उसमें हमने पढ़ा था कि प्लांट कंसिस्ट ऑफ सेल वॉल्स. सो ये ग्लूकोज किस लिए यूज़ हो जाता है, सेलुलोज को, कुछ ग्लूकोज सेलुलोज में कन्वर्ट हो जाता है ताकि वो प्लांट की जो आउटर कवरिंग को टफ बना दे और प्लांट सेल जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए. ठीक है, इट हेल्प द प्लांट सपोर्ट इटसेल्फ, ताकि वो प्लांट जो है वो अपने आप को खुद सपोर्ट कर सके, खुद अपने स्टैंड कर सके, उसको किसी दूसरे प्लांट की ज़रूरत ना पड़े. ठीक है, या किसी सहारे की. तो ये सेकंड इसका है कहाँ पे ग्लूकोज यूज हो रहा है. और थर्ड वन में ग्लूकोज को क्या होता है, सम ग्लूकोज विल बी चेंज इन टू द स्टार्च और ऑयल एंड स्टोर इन रूट स्टेम्स इन सीड्स एंड फ्रूट्स. कुछ ग्लूकोज जो होता है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं इनटू अ स्टार्च, और वो स्टार्च या फिर ऑयल में कन्वर्ट कर देते हैं. डैट ऑयल और स्टार्च आर स्टोर्ड इन अ रूट स्टेम सीड्स एंड फ्रूट्स. व्हेन इट इज़ नीडेड इट इज़ चेंज बैक टू अ शुगर. और जब दोबारा हमें ग्लूकोज की ज़रूरत होती है तो हम उस ग्लूकोज को, स्टार्च को हम वापस से कन्वर्ट बैक कर लेते हैं किस में, शुगर में. ठीक है, फोर्थ वन इज डैट इज समवन इज सम इज जॉइंड अप विद मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. अब कुछ ग्लूकोज जो होता है वो क्या करता है, मिनरल्स होते हैं सॉइल के अंदर प्रेजेंट, उनके साथ ज्वाइन हो जाता है. नाइट्रोजन फॉर एग्जांपल इज जॉइंड अप विद द ग्लूकोज टू मेक अ प्रोटीन. फॉर एग्जांपल द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द सॉइल, दिस नाइट्रोजन रिएक्ट विद द ग्लूकोज एंड इट फॉर्म अ प्रोटीन. दैट प्रोटीन इज वेरी यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट. ठीक है, सो दीज आर द फोर वेज वेयर द ग्लूकोज इज यूज विच इज़ प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द लीव ऑफ प्लांट. टू मेक डिड यू नो टू मेक अ क्लोरोफिल मैग्नीशियम कम्बाइंस विद अ ग्लूकोज. मैग्नीशियम इज अ मिनरल्स, दे कम्बाइन विद अ ग्लूकोज एंड दे फॉर्म अ क्लोरोफिल. वी नो डैट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल हमारे पास रिएक्शन होता है. और क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होती है, डैट इज प्रेजेंट इन अ क्लोरोप्लास्ट ऑफ अ लीव्स. मैग्नीशियम कम्स फ्रॉम द सॉइल एंड इट इज टेकन अप विद वाटर बाय द रूट्स. ये मैग्नीशियम फिर कहाँ से आती है, ये सॉइल से आती है. सॉइल से आने के बाद ये क्या करती है, रूट के जरिए रूट्स क्या करते हैं, इसको टेकन अप कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर. ठीक है, सो देयर आर द डिफरेंट
यूजेज ऑफ द ग्लूकोज, वेयर द ग्लूकोज इज यूज एंड वट आर द फंक्शन ऑफ द ग्लूकोज, ठीक है। सेकेंड वन इज प्लांट नीड्स वाटर। अब प्लांट को ज़ाहिर बात है विदाउट वाटर कोई भी प्लांट जो है वो ग्रो नहीं कर सकता है, दे नीडेड वाटर एंड सन लाइट फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ। सो लुक एट दिस, दीज आर द रूट्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। सो दीज ये तो पूरी क्या है, दैट आर रूट्स एंड दीज टाइनी हेयर्स आर द रूट हेयर्स, ठीक है। दे आर द फर्दर प्रोजेक्शन ऑफ द रूट सेल्स विच आर कॉल्ड द रूट हेयर्स। प्लांट नीड्स वाटर, वाटर इंटर प्लांट थ्रू इट्स रूट्स, रूट्स आर ब्रांच स्प्रेडिंग आउट थ्रू द सॉइल एज फॉर एज दे कैन। अब वाटर इंटर कैसे होता है, वाटर इंटर होता है सॉइल के अंदर से, वाटर कहाँ आता है रूट्स में आता है, रूट के जरिए ये क्या करता है जाइलम टिश्यू में जाता है, जाइलम से फिर ये टूवर्ड्स बीब में चला जाता है, ठीक है। देयर सर्फेस एरिया इज इंक्रीज बाई मैनी थाउजेंड ऑफ टाइनी रूट हेयर्स। अब रूट का क्या होता है, सर्फेस एरिया जो होता है वो ज़्यादा होता है बाई टाइनिंग हेयर रूट हेयर, जो इनके ऊपर टाइनी सेल्स प्रेजेंट है वो रूट हेयर्स हैं, उनकी वजह से इनका जो सर्फेस एरिया होता है इट इज़ इंक्रीज बाई थाउजेंड ऑफ टाइनी रूट हेयर्स। रूट हेयर सेल्स हैव वेरी थिन सेल मेम्ब्रेन, दिस मेक इट इजी फॉर वाटर एंड मिनरल्स टू पास थ्रू इट, ऑल्सो मीन डैट सेल कैन अब्जॉर्ब ऑक्सीजन इजली फ्रॉम एयर स्पेसिस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। अब जो रूट हेयर्स होते हैं इनका जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो बहुत थिन होता है। अब बहुत थिन होने का फंक्शन, उसका क्या बेनिफिट होता है, जब सेल मेम्ब्रेन बहुत थिन होगा तो उसके ज़रिए हमारे पास ऑक्सीजन भी इंटर हो जाती है वाटर प्लांट के अंदर। किस तरह ऑक्सीजन इंटर हो जाती है, ज़मीन के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनके ज़रिए से वहाँ से जो होती है हमारे पास ऑक्सीजन वो भी ईजीली जो होती है वो एयर स्पेसिस से फॉइल की निकल के प्लांट के अंदर चल जाती है, और इसके अलावा हमारे पास मिनरल्स और वाटर भी हैं वो ईजीली वहाँ से मूव हो सकते हैं, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, टाइनी सेल मेम्ब्रेन या थिल सेल मेम्ब्रेन होने की वजह से हमारे पास मिनरल्स वाटर और ऑक्सीजन भी अब्जॉर्ब हो जाती है प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। दिस ऑक्सीजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द रिस्पायरेशन इन द रूट सेल, और फिर वो जो ऑक्सीजन जो इंटर होती है हमारे पास इन रूट सेल्स के अंदर, वो ऑक्सीजन किसकी इंपॉर्टेंट होती है हमारे पास जो रिस्पायरेशन हो रही होती है इस प्लांट के अंदर, उसके लिए क्या होती है वो यूज़फुल होती है, ठीक है।